हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पपाया बनाना सिखाऊंगी। पपाया बनाने के लिए आपको सर्किल बनाने होंगे, दो सर्किल बनाने होंगे। पहला ऊपर सर्किल जो बनेगा वो जितनी रेडियस का बनेगा उसका जस्ट डबल नीचे रेडियस का बनेगा। तो पहला सर्किल हमने मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का बनाया, तो दूसरा सर्किल हम ये जो नीचे वाला बनाएंगे वो 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे। जस्ट डबल बनाने के लिए पपाया का नीचे का पोर्शन चौड़ा आएगा, इसके लिए हम जस्ट डबल बनाते हैं। तो ये दो सर्किल हमने पहले खींचे, आपको दिखाया, एक ये सर्किल खींचा 3 सेंटीमीटर का और दूसरा ये हमने खींचा 6 सेंटीमीटर का। इसको खींचने के बाद हम इसको ड्रा करते हैं। ड्रा करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सर्किल जब सर्किल बनाते इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा सर्किल बनाएंगे वो इस सर्किल के अंदर से होके जाए, क्योंकि बीच में स्पेस कम होना चाहिए। स्पेस अगर अधिक होगा तो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए स्पेस कम रहने के लिए सर्किल के अंदर से लेके इसको बनाते हैं। देखिए, उसके बाद जब ये सर्किल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपकी देखिए गोल है और इसको हम कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे आके आपको हल्का सा टर्न देना है ऐसे करके, और ये फिर इसको यहाँ से ला करके ये बीचों बीच में इसको हल्का सा यहाँ दिया और ये पोर्शन हमने ऐसे किया। फिर दूसरे साइड हमने इसको घुमा करके इधर भी यही चीज़ आपको बराबर से करनी है। तो ये ऐसे करके ये यहाँ से इसको ऐसे बस इसको इसमें मिला दिया, और मिलाने के बाद इसको भी यही जिधर जैसे इधर साइड बनाया था वैसे ही इस साइड भी आपको बनाना है, और इसको हल्का सा नीचे से गोल करना है। ये देखने के बाद हम इसको देखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ाना है तो हल्का सा इसको हम यहाँ से बढ़ा देंगे, और ये इस तरीके से इधर भी बढ़ा देंगे। ये यहाँ से ऐसे इसको बढ़ा दिया, और उसके बाद हम ये बीच का जो सर्किल है इसको इरेज कर देंगे। ये इस तरीके से, इसलिए सर्किल जब बनाइएगा तो बहुत लाइट पेंसिल का यूज़ करिएगा कि उसको इसको इरेज करना रहेगा। ये हमने इरेज कर दिया, ये पपाया का आपका बाहरी पोर्शन तैयार है। और इसके अंदर फिर क्या करना है ये देख लीजिए, इसको जितना भी चाहे हम इसको उतना बढ़ा सकते हैं इधर। ये बस ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो मोड़ है ये बराबर पे होना चाहिए इस तरीके से। ये आपका हो गया इस तरीके से इधर, और ये हो गया आपका इधर। केवल ये हल्का सा यहाँ पे टर्न करना होता है, और पपाया में हमेशा डंडी चौड़ी बनानी होती है, इसलिए इतना भी इसका हमने यहाँ हिस्सा इरेज किया। और ये देखिए डंडी इसकी बहुत लंबी नहीं होती है, इसको अंदर से ऐसे गोल करेंगे और इसको यहाँ से इसमें ऐसे बना देंगे। ये आपका बन गया। फिर उसके बाद जो हमको अंदर की लाइनें डालनी होती हैं उसको डालने के लिए, जैसे बाहर की पपाया में पड़ी हुई हैं लाइनें सेम उसी के अकॉर्डिंग लेने हैं अंदर से भी। अंदर से लेने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इस तरीके से ये आके इसको इसमें टच कर देंगे, और इधर की ऐसे इसमें भी इधर ये इधर आ करके इधर आप यहाँ आके इसको नीचे मिलाएंगे आके। ये पूरा आपका जैसे लाइन ये बाहर की साइड है आपकी, अंदर की लाइन भी उसी उसमें बनेगी। ये आपका ये हो गया, ये इस तरीके से ये पपाया आपका कंप्लीट हो गया। ये लाइनें हमने डाल दी अंदर की, ये और शेडिंग, इसके बाद हम शेडिंग करते हैं। तो शेडिंग करने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर साइड डार्क और नीचे साइड डार्क दिखाते हैं, बीच का पोर्शन हल्का सा लाइट दिखाते हैं। तो यहाँ से रखेंगे पेंसिल और इस तरीके से ये करेंगे, ये साइड पूरा हम शेडिंग करते चले जाएंगे, इसमें पूरी पेंसिल ऐसे लगा देंगे, और ये साइड थोड़ा सा इस तरीके से ये यहाँ पे डार्क करेंगे।
इधर भी ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने उधर किया था एक साइड, उसे दूसरी साइड भी इसको पूरा हम ये स्ट्रेडिंग पूरी मिला देंगे इसमें, और इधर साइड से ऐसे यहाँ पे इसको मिलाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपको डार्क दिखाना है इसलिए पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर देके चलाएंगे, और जहाँ पे लाइट दिखाना होता है वहाँ पे हल्के हाथों से पेंसिल को, फिर नीचे साइड से भी हमको डार्क करना है इस तरीके से, यहाँ ये ऐसे करके। ये बहुत लाइट पेंसिल से इसको टच कर दीजिए एक में, इसको जितना आपको डार्क करना है बाद में इसको जहाँ से आपको डार्क दिखाना है वहाँ पे पेंसिल को दोबारा से यूज चलाएंगे और वहाँ पे वो चीज़ डार्क दिखने लगेगी ऐसे। ये देखिए आपका इस तरीके से शेडिंग ये लगभग आपकी कंप्लीट है। यहाँ से भी थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं इसको, ये आपका हो गया ऐसे। और थोड़ा सा ये बाहर जो निकला है इसको इरेज करके क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसके आउटलाइन भी करते हैं, आउटलाइन करने के लिए 10B पेंसिल का यूज करेंगे। ये इस तरीके से पेंसिल फ्लो में ही चलनी चाहिए, पेंसिल रुकनी नहीं चाहिए। ये हल्का सा यहाँ पे इरेज कर दें सही करने के लिए, और उसके बाद ये अंदर की लाइनें भी ये हो गई। ये पोर्शन भी आपका करना है शेडिंग, तो इसको इस तरीके से ऊपर से कर दीजिए, नीचे साइड ऐसे रहने दीजिए, और ये पोर्शन आपका ये हो जाएगा ऐसे। फिर हल्का से ये स्पॉट दिखाते हैं, तो स्पॉट दिखाने के लिए इस तरीके से यूज करते हैं ये। ये आपका पपाया कंप्लीट हो गया। ओके।